गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह हम 5 बजे ना उठे, मतलब उठे क्या, सो ही नहीं थे। कल रात में ना हमको नींद ही नहीं आ रहा था, पता नहीं कि पूरे टाइम हम जगे हुए हैं, यॉन ले रहे हैं, लेटे हुए पर जगे ही हुए। फिर सुबह उठे हम 4:30 बजे, हम देखे 4:30 हो रहा है। फिर आए अपने भाई के रूम में, फिर अपने भाई के रूम में सोने के लिए, तब जाके थोड़ा नींद आया, लेकिन फिर 6 बजे दी उठा दी। फिर मम्मी के रूम में सोने के लिए, तब जाके थोड़ा ढंग से सोए, और अभी हम उठ रहे हैं जा रहे चाय पीने। आज एग्जाम भी है मेरा, हेयर वॉश भी करना, तब तक हम ऑयलिंग भी नहीं किए। सुबह उठे फिर डाइनिंग टेबल में मम्मी चाय बना के रखी थी, तो वहाँ पे गए पहले पानी पे, ऑब्वियसली क्योंकि पानी, मतलब सुबह सुबह उठ के हमको सबसे पहले पानी पीना होता है, तो पहले पानी पिए, बॉटल ही सामने पड़ा था तो बॉटल से ही पी लिए, उसके बाद पिए चाय। और फिर हम ऑयलिंग नहीं किए थे, ये प्रसाद खा रहे हम जो मम्मी पूजा करके रखी थी, वो प्रसाद खाए एंड फिर जाके हमको ऑयलिंग करना था, तो हम वो ऑयलिंग करने के लिए गए। जा रहे ऑयलिंग करने, मौसम इतना अच्छा हुआ है ना, आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। एक्चुअली हमको ना रात में ही ऑयलिंग करना था, लेकिन हमको लगा कि हम सुबह वॉक पे जाएंगे, बट सुबह ऐसा मौसम था और नींद नहीं आया था तो गया नहीं, तो इसलिए हम रात में ऑयलिंग नहीं किए। और फिर अभी सुबह उठ के कर रहे हैं, और हम ये नॉर्मल कोकोनट ऑयल लगाते हैं। नॉर्मल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कोई वर्जिन या फिर वैसा नहीं है, ये नॉर्मल पैराशूट ऑयल जो होता है वो है जो मॉल से लेके आते हैं। और ऑयलिंग कर ली अच्छे से, खुद से ही कर लिए, और ऑयलिंग करके बस ऐसे ही बाल हम तेल लगाते हैं ना, ऐसे बाल झाड़ते नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा टूटता बाल, तो बस क्लचर कर लिए तेल लगाते। ऑयलिंग के बाद हम थोड़ी देर बैठ के पढ़ने के लिए, क्योंकि जो नोट्स वगैरह बनाए थे पढ़ाई कर लिए थे, उसको रिवीजन करना था सुबह, बिकॉज रात में हुआ नहीं था अच्छे से, इसलिए सुबह उठ के हम रिवीजन कर लिए। और ना तेल लगाने के बाद पता नहीं क्यों मेरे सर में बहुत खुजली होने लगा था, मेरे सर में ना पता नहीं कि तेल लगाने के बाद एकदम खुजली जैसा होने लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं कितना सारा उसमें क्या हो, इसलिए अब मोटे करने से झाड़ नहीं रहे, बस खुजली कर रहे हैं। पैंटीन का कंडीशनर खत्म हो गया, तो हम भाई को भेजे शॉप की पैंटीन कंडीशनर, और पता नहीं क्यों शॉप वाले पैंटीन कंडीशनर ही नहीं रखते, तो हमको डव कंडीशनर यूज करना पड़ रहा है आज, तो हम डव का शैम्पू ही मंगवा लिए, क्योंकि कंडीशनर शैम्पू सेम ही होना चाहिए ना, आई गेस अलग अलग यूज करने में क्या पता बाल बहुत झड़ने लगे, तो हम कंडीशनर ही मंगवा लिए, शैम्पू भी मंगवा लिए, आज सैशेट यूज करेंगे। एंड आई तो हमको कल एक पार्सल ये रिसीव हुआ था जो कि ईशा से है, बैंगलोर आदि योगी जहाँ पे, वहाँ से हम ऑर्डर किए थे महाशिवरात्रि के टाइम रुद्राक्ष, जो कि हमको कल रिसीव हुआ है, और इसको नहा हुआ के अच्छे से थोड़ा पूजा वूजा करके खोलना होता है, इसलिए हम कल नहीं खोले, आज हम इसको खोल रहे हैं। सो लेट्स ओपन। रुद्राक्ष ओरिजिनल रुद्राक्ष जो कि ईशा से आया है बैंगलोर से। ओ ये थ्रेड भी दिए हैं जिसमें रुद्राक्ष डाल के हम लोग पहनेंगे, तो दो रुद्राक्ष है तो दो थ्रेड भी है, सही है। एंड सम बुकलेट्स एंड दिस, कितना खूबसूरत है ये, तो इसको हम आज नहीं पहनेंगे क्योंकि इसको मंडे थर्सडे या संडे को पहनते हैं, आज थर्सडे ऑब्वियसली, बट इसको पहनने से ना एक दिन पहले इसको दूध में डाल के रखते हैं 24 आवर्स, और एक दिन घी में डाल के रखते हैं, तो वो हम कल करेंगे एंड देन इसको संडे को पहनेंगे। एंड ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है हमको ये मिला। ये जो है ना टीका, ये विभूति है जो हमको मिला रुद्राक्ष के साथ, तो ये लगाए हैं अभी जस्ट, एंड अब जा रहे हम खाना खाने के लिए, नाश्ता करेंगे क्योंकि निकलना है, नहीं तो फिर मेरा होने लगेगा क्या लेट। सब्जी और गुड़ है साथ में।
नाश्ता करने के बाद हम हो गए रेडी, बट ये जो टाई था इतना परेशान करता, पता नहीं क्यों ये टाई उल्टा फुल्टा हो जाता है, हमेशा सीधा करके रखते उल्टा हो जाता है। इसको सही करने में हमको लग गया था कम से कम 5-10 मिनट, फिर ये सही नहीं होता तो मैं ऐसे ही पहन लिया, दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। फिर हम रेडी हुए एंड रेडी होने के बाद बाल मेरा गीला था तो बाल हम बांधे नहीं, बिकॉज गीला बाल बांधने पर सर दर्द करना था, बट थोड़ा गीला था और उसमें बांध लिए तो मेरा सर सही में दर्द होने लगा था पूरे टाइम। एंड दिस इज़ माई यूनिफॉर्म जो कि मेरा कॉलेज का है। एंड एंड रेडी होते होते ना हम यहाँ पे गार्डर अपने लिए ढूंढ रहे थे, पास हमको मिल ही नहीं रहा था गार्डर, और बाल नहीं बांधे थे तो गार्डर तो लेके जाना ही था। और बाल नहीं बांध रहे क्योंकि बाल अभी बहुत गीला है, तो बांधेंगे तो फिर ये गीला गीला रहेगा पीछे से देखते नहीं होगा। तो हम ले लिए हैं गार्डर, बांध लेंगे रास्ते में, एंड ले लेंगे कॉम्ब, सो दैट ठीक ही लग रहा है ना आज, डव से किए शाम को। तो पैक कर लेते हैं, कॉफ़ी ले लेते हैं, क्या पता टाइम मिल जाए तो पढ़ लेंगे। दिस इज छोटी बांध लिए, बाल अभी भी गीला है थोड़ा, बट फिर भी हम बांध लिए बिकॉज इतना तेज़ हवा चल रहा है ना कि अगर खुले बाल में जाएंगे तो मेरा बाल बन जाएगा घोंसला। एंड आई एम रेडी, हम निकल रहे हैं, बाय बाय, मिलते हैं एग्जाम के बाद। अभी स्कूटी से जा रहे हैं चौक तक जहाँ पे ऑटो मिलता है, अंशु छोड़ देंगी। एग्ज़ाम के टाइम में मेरा इतना सर दर्द हुआ ना कि अपना बाल खोल के एग्ज़ाम दे रहे थे, एक दो बार तो लोग देख के सोचे यार ये बाल खोल के क्यों बैठी। तो फिर एग्ज़ाम देके निकले हम, सबसे पहले नारियल पानी पिए, ये पीने के बाद सही में रिलैक्स लगा, और ये जो था ना मलाई वो भी हम खाएं बाद में। एंड हम कॉलेज से आ गए, इतना ज़्यादा आज मेरा सर दर्द था ना, हम कॉलेज गए थे तो ऑटो से गया था ना, उसके चक्कर में एकदम ऑटो में बैठे बैठे इतना ज़्यादा हिलता है ना ऑटो कि मेरा सर पूरा दर्द हो गया, सर था जैसे हम बस का सफ़र करते हैं। सबको ही घर में खाना खा लिया, बस एक हम ही बचे थे, तो हम अपने लिए खाना ले लिया। आज हम बिल्कुल भी, मेरे को मन नहीं था अरेंज करके निकालने का, इसलिए हम सबको एक ही में ले लिया। फिर दिखाते हैं एक ही थाली में दाल चावल सब कुछ, और अब जा रहे खाना खाने के लिए। एंड हम 4 बजे आके दोपहर का खाना खाएं क्योंकि कॉलेज आते आते लेट हो गया था, और उसके बाद हम कोई व्लॉग ही नहीं किए क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था। फिर हम शाम में ट्यूशन पढ़ाएंगे। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।